पानी का सप्लाई कम होने के कारण कुछ दबंग किस्म के लोग मोटर लगाकर पानी खींच लेते हैं, जिसके कारण गरीबों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे कुल 40 लाभुकों को बिना पानी के 62 रुपया प्रतिमा बिल का भुगतान करना पड़ रहा था। सप्ताह वाला पानी तो आइए ना रहा है, तो यही चापाकल से ले रहे हैं पानी। ये पूरा मोहल्ला के जो है ना पूरा व्यवस्था यही चापाकल से जा रहा है, कोई आधार नहीं है पानी के लिए। क्या आपने पानी का बिल भरा है? पानी आइए ना रहा है तो क्या भरे? पानी डेली नहीं आता है, दो दिन में आएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा आएगा, एक को बाल्टी झुकाएगा तो झुकाएगा, नहीं तो नहीं। कहीं कहीं नल खुला हुआ है, इधर पानी ही नहीं निकलता है, कभी 15 दिन बंद हो जाता है, कभी महीना दिन भी बंद हो जाता है। अब पानी नहीं आएगा तो कैसे बिल जमा करेंगे? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना के तहत ग्रामीणों को फिल्टर किया हुआ शुद्ध पानी मिलना चाहिए। क्या आप खाना भी इसी पानी से बनाते हैं? खाना पीना सब यही पानी से बनाते हैं, नहाना धोना सब कुछ होता है। सकबे नहीं करती हूँ तो कहाँ से लाऊंगी पानी? तो आप क्या चाहते हैं माँ जी? हम लोग चाहते हैं महीना महीना पैसा देंगे, पानी आना चाहिए। मेरे आने के बाद तो लोगों की शिकायत थी कि मोटर कनेक्शन के जरिए लोगों का शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज है, और सबों को पानी भरपूर नहीं मिल पाता है। तो और आने के कुछ ही दिनों के बाद BWSC को चूँकि हस्तांतरित कर दी गई थी योजना, आगे यही है कि जितने भी मोटर कनेक्शन हैं, मोटर से जो अवैध रूप से पानी खींच रहे हैं, उन तमाम लोगों को चेतावनी दी जाएगी भाई इस तरीके से मैंने अवैध कार्य न करें। तो इसके अनुसार जो भी ज़रूरत होगी, हमसे जो भी सहयोग हो सकेगा, हम इसके लिए करेंगे, हम आपके साथ। तमाम दर्शकों से अपील करती हूँ कि इस समस्या से संबंधित पेयजल विभाग पदाधिकारी, जिनका मोबाइल नंबर 9905701341 है, कॉल करके हमारी मदद करें। मैं प्रमिला एक्का, जिला गुमला, झारखंड, इंडिया, अनहट से।